मींस वाटर में कितनी साल्ट डिजॉल्व है यह इससे हमें वाटर की हार्डनेस का पता चलता है। दूसरे शब्दों में हम हार्ड वाटर उसको बोलते हैं जो साबुन के साथ इजिली झाग नहीं देता है। मीन्स हार्ड वाटर जो होता है साबुन के साथ इजिली झाग नहीं देता है, ऐसा वाटर में हार्डनेस जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के प्रेजेंट होने के कारण होता है। वाटर की हार्डनेस जो होती है टू टाइप की होती है। यहाँ पे फर्स्ट को टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। वाटर की टेम्पररी हार्डनेस वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयन के कारण होती है। टेम्पररी हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आयन के कारण होती है। सेकेंड है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन के प्रेजेंट होने के कारण होती है। तो इस तरह से टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे दिखाया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टेक। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वाटर की हार्डनेस कैसे निकालते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि वाटर हार्डनेस का मतलब क्या होता है। वाटर की हार्डनेस का मतलब यह होता है कि वाटर में कितनी साल्ट का अमाउंट डिजॉल्व है। मीन्स वाटर में कितनी साल्ट डिजॉल्व है यह इससे हमें वाटर की हार्डनेस का पता चलता है। दूसरे शब्दों में हम हार्ड वाटर उसको बोलते हैं जो साबुन के साथ इजिली झाग नहीं देता है। मीन्स हार्ड वाटर जो होता है साबुन के साथ इजिली झाग नहीं देता है, ऐसा वाटर में हार्डनेस जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के प्रेजेंट होने के कारण होता है। वाटर की हार्डनेस जो होती है टू टाइप की होती है। यहाँ पे फर्स्ट को टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। वाटर की टेम्पररी हार्डनेस वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयन के कारण होती है। टेम्पररी हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आयन के कारण होती है। सेकेंड है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन के प्रेजेंट होने के कारण होती है। तो इस तरह से टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि वाटर की, आइए हम देखते हैं कि लैब में हम वाटर की हार्डनेस को कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक साफ बीकर लेते हैं। सबसे पहले एक साफ बीकर लेंगे, उसमें 50 ml वाटर का सैंपल लेते हैं। ये देखिए ये बीकर है, इसमें 50 ml वाटर का सैंपल को लिया गया है। अब नेक्स्ट हम 50 ml सैंपल में अमोनियम बफर सॉल्यूशन को 1 ml मिलाते हैं और पीएच जो है मेंटेन करते हैं। पीएच मेंटेन करते हैं 8 से लेके 10.5 तक हम मेंटेन करके पीएच को रखते हैं। ये देखिए 50 ml वाटर सैंपल है और ये है अमोनियम बफर का सॉल्यूशन है। इसको मिलाते हैं तो इसका पीएच जो है बढ़ जाता है। इसको इतना ही मिलाते हैं 1 ml कि इसका पीएच 8.5 से 10.5 के बीच हो जाए। और नेक्स्ट स्टेप में हम EDTA के सैंपल से इसको टाइट्रेट करते हैं। इसके लिए सैंपल में EBT इंडिकेटर जिसको इरीक्रोम ब्लैक टी बोला जाता है इसको सैंपल में हम डालते हैं। EBTA इंडिकेटर जैसे ही सैंपल में डालेंगे 2 या 3 ड्रॉप तो सैंपल का जो कलर होता है वाइन रेड कलर का हो जाता है। ये देखिए ये वाटर सैंपल है और यहाँ पे ये जो EBT इंडिकेटर है इसका हम क्या करते हैं EBT इंडिकेटर का 2 या 3 ड्रॉप मिलाते हैं। जो ही मिलाएंगे तो ये सैंपल का कलर है वाइन रेड कलर का हो गया है। ये देखिए यहाँ पे
ये सिंपल का वाइन रेड कलर हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपल में हम ईबीट इंडिकेटर को मिलाने के बाद जब वाइन रेड कलर आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि इसका टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन के लिए ब्यूरेट में EDTA का सॉल्यूशन को 25 ml भर लेते हैं और सैंपल को तब तक टाइट्रेट करते हैं जब तक कि सैंपल का जो वाइन रेड कलर है यह चेंज होकर स्काई ब्लू कलर जैसा हो जाए, मीन्स वाइन रेड कलर गायब होके स्काई ब्लू कलर आ जाए। ये देखिए ब्यूरेट है और ये सैंपल है, सैंपल का कलर जो है वाइन रेड है और ब्यूरेट से तब तक ब्यूरेट में EDTA भरा है, इसको तब तक टाइट्रेट करते हैं कि वाइन रेड कलर स्काई ब्लू कलर ना हो जाए। स्काई ब्लू कलर आने के बाद हम ब्यूरेट की रीडिंग को नोट कर लेते हैं और जिससे यह पता चलता है कि कितना EDTA का सॉल्यूशन जो है कितना कंज्यूम हुआ है। फिर हम ब्यूरेट की रीडिंग वॉल्यूम को फार्मूले में रख कर हार्डनेस निकाल लेते हैं और इसका कैलकुलेशन को कर लेते हैं। इस तरह से यह एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूले में सबसे पहले ब्यूरेट की EDTA रीडिंग इंटू 1000 अपान वॉल्यूम ऑफ सैंपल होता है, यह जो होता है इसका फार्मूला होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इस टाइप की और वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।